टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आदित्य क्या बताएं कि आज युवा प्रभात समिति के सामने बीजेपी ने आंदोलन किया? एक्चुअली ये आंदोलन की वजह ये है कि दीवा जो 5 लाख आबादी वाला शहर है, लेकिन यहाँ पे कोरोना केंद्र की स्थिति देखिए तो कोरोना केंद्र सिर्फ केवल एक ही है, जो कि आज सरकार ने घोषित किया है कि जो दो डोज लिए हैं उनको ही रेलवे से प्रवास किया जा सकता है। लेकिन दीवा में जो सब जो आबादी है वो सब सर्वसामान्य स्तर से है और सभी लोग रेलवे पे डिपेंड रहने वाले हैं, तो इसी तरह एक ही सेंटर से अगर वैक्सीनेशन दीवावासियों का होगा तो ये तकरीबन 3 से 4 साल लग जाएंगे दोनों डोज पूरे होने के लिए। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि दीवा में लसीकरण केंद्र की संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि आज थाने शहर में पूरे थाने नगर पालिका क्षेत्र में 54 लसीकरण केंद्र है और दीवा में एक ही है, तो हम यही चाहते हैं कि दीवा में भी ये संख्या बढ़े। जैसा न्याय थाने वालों को दिया जाता है वैसा ही न्याय ये दीवावासियों को भी दिया जाए, इसलिए ये मांग लेकर आज हम ये दीवा प्रभाग समिति कार्यालय पे आए थे। हमने यहाँ पे जो धरना दिया और उसके बाद यहाँ के सहायक आयुक्त उनसे भी हम मिले और उन्होंने भी हमको आश्वासित किया कि जैसे कि आपने ये आंदोलन की घोषणा की है, आपने जैसे जैसे पत्र व्यवहार किया है उसी को देख के हम लोगों ने एक लसीकरण केंद्र दीवा में बढ़ाने का सोचा है और उसको उसने मंजूरी भी दी है, तो हम लोग मैडम का और TMC का भी उसमें हमने शुक्रिया बोला और भी लसीकरण केंद्र की संख्या बढ़े ऐसी मांग हमने यहाँ पर की आज।